चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि डेली बेसिस पे आप मेरी लेटेस्ट अपलोड्स देख सकें। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन में पाई जाने वाली ऐसी बीमारी के बारे में है जो बज़ाहिर तो एक आम तकलीफ़ के तौर पर तस्वुर की जाती है, लेकिन ये ख़वातीन के दीगर बहुत से मसाइल का बाइस भी बनती है। लिकोरिया की सबसे वाजह अलामात में आम तौर पर सफ़ेद रंग का इखराज होता है। इस मर्ज की कई इकसाम हैं, लेकिन लिकोरिया की वजह से जो नुकसान होता है वो सेहत को भी पहुंचता है। इसके अलावा ख़वातीन की कमर और टांगों में दर्द और पट्ठों में खिंचाव रहता है। इसके अलावा कब्ज़, मैदे में तेजाबियत और हाथ पाँव के तले जलना आम अलामात हैं। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही आसान और आजमूदा नुस्खा आप सबको बताने लगी हूँ, जो बनाने में भी बहुत आसान है। दिन में दो दफ़ा इसे इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह दो हफ्तों में ही आपको इसका नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा। तो अज्जा देख लेते हैं इसके। अजवाइन देसी आपने लेनी है 50 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, असगन नागरी 20 ग्राम, गोंद कीकर 20 ग्राम, तेज़पात 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, पुदीना खुश्क 30 ग्राम। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसका पहले ही सफ़ूफ बना के रख लिया है। ये कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा करीब करके जो है वो दिखा देती हूँ। ये इस तरह का सफ़ूफ बनता है। करना क्या है आपने कि तमाम अज्जा को पीस कर मिक्स कर लेना है और सफ़ूफ बना लेना है। आधा चाय का चम्मच सुबह और रात के खाने के 1 घंटे बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। 2 हफ्ते तक आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है और ये नुस्खा लिकोरिया और लिकोरिया की वजह से होने वाली दूसरी ख़राबियाँ भी ठीक करता है। लिकोरिया दोस्तों इतना मुझी मर्ज़ नहीं है, लेकिन ये ख़वातीन में बांझपन और हड्डियों की कमज़ोरी जैसे मसाइल का बाइस बनता है। इसीलिए इसे संजीदगी से लेना चाहिए, इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जल्द ही इस मर्ज़ से छुटकारा पाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मज़ीद पेचीदगियाँ जैसे कि हैज़ के आयाम की बेकायदगी, चेहरे और जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल, छिड़छिड़ापन, मैदे की ख़राबी, बढ़ता हुआ पेट, इन सब का बाइस बनता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये मसला है, और मेरी नई वीडियोस के लिए, मेरे नए टोटको नुस्खों के लिए मेरा ये चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे आप सबको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।